थिकनेस गेज इक्विपमेंट कैसे यूज किया जाल्ट्रा जाता है आज हम लोग देखेंगे। ये है अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज इक्विपमेंट बॉक्स। इसके अंदर में है अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज इक्विपमेंट, उसके साथ है एक प्रोब और है प्रोब केबल, ये है कपलेंट। चलिए देखते हैं ये इक्विपमेंट के साथ ये केबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, दोनों साइड है, कोई भी साइड इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया कनेक्टर, इसके साथ ऐसे कनेक्ट किया जाता है इसको। इसके अंदर में है प्रोब, ये हो गया इसका प्रोब। प्रोब में यहाँ पे दिया है कनेक्ट करने का एरिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। ये पावर स्विच है, ये वाला ऑन होता है, चलिए ऑन कर लेते हैं इसको। ठीक है, यूज करने से पहले हम लोगों को इसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन करने के लिए इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कपलेंट। कपलेंट लगा के ये वाला हो गया कैलिब्रेशन एरिया, इसमें लगा के आपको चेक करना होगा। देखिए इसमें आ रहा है, देखिए इसके रीडिंग देखिए 5.0 आ गया, तो मतलब ठीक है आपका कैलिब्रेशन हो गया। अगर नहीं आएगा तो ये वाला प्रोब वाला बटन आप दबाएंगे तो 5.0 आ जाएगा, या फिर मान लीजिए 4.8 आया तो ऊपर नीचे करके आप 5.0 में ला सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये 2 रुपए का सिक्का का थिकनेस हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये वाला थिकनेस चेक करेंगे, इसमें थोड़ा सा कपलिन लगा लेंगे पहले अच्छे से। ये कपलिन क्यों लगाया जाता है, तो ये जो सरफेस है इसके सरफेस के साथ इसका प्रोब का बीच में कोई भी गैप, कोई भी यार, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग कपलन यूज करते हैं। तो कपलन लगाने के बाद देखिए इसका रीडिंग आ गया है 1.3 मिलीमीटर। इसका तो फिर ये कॉइन का, ये सिक्का का जो थिकनेस है 1.3 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए 10 रुपए का कॉइन हम लोगों के पास है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका थिकनेस है 3.8 मिलीमीटर। चलिए हम लोगों के पास जो स्टेपलर है, स्टेपलर का साइड का थिकनेस भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका थिकनेस, देखिए इसका थिकनेस। तो इसमें अच्छा सा देखिएगा, ये वाला जो है प्रोब है 90 डिग्री प्रोब है, कोई भी फ्लैट सरफेस का ही आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कर्व सरफेस अगर होगा तो आप लोग नहीं यूज कर सकते। इसमें दोनों साइड दिया हुआ है, दोनों साइड में इसका 50% है ट्रांसमीटर और 50% है कलेक्टर। ठीक है ना, यहीं से आपका अल्ट्रासोनिक रे जो है पास होता है, तो यहीं से रिटर्न होकर इसी में आ जाता है, तो इसका रीडिंग यहाँ से आपको मिल जाएगा।